नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स, मैं हूं मनोज जोशी। इस समय मैच जो है पाकिस्तान का चल रहा है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जिसमें पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता और दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जैसा कि कराची में देखने को मिला था। जो कराची में हुआ वही पहले दिन रावलपिंडी में हुआ। कराची में आपको याद होगा 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी खो दिए थे, यानी 4 विकेट खो दिए थे, 27 रन पर 4 विकेट खोकर पाकिस्तान जो है बहुत ही असहज था, बहुत ही खराब स्थिति में था, लेकिन फवाद आलम ने बचा लिया था सेंचुरी बनाकर। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने महज 1 रन के अंतराल में 3 विकेट खो दिए, वो भी अपने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के, वो भी इमरान भट्ट, आबिद अली और अजहर अली, पूर्व कप्तान अजहर अली, इनके विकेट तीनों के बहुत जल्दी जल्दी गिरे। सिर्फ 1 रन का इजाफा हुआ था और उसी अंतराल में 3 विकेट खोए, यानी 22 रन पर तीसरा विकेट खो दिया था पाकिस्तान ने। और उसके बाद 123 रन की शानदार असमाप्त भागीदारी की, पार्टनरशिप की, जो बाबर आजम और फवाद आलम के बल्ले से देखने को मिली। और अगर हम 3 विकेटों की अगर हम बात करें तो इमरान भट्ट जिस गेंद पर आउट हुए, केशव महाराज की वो गेंद थी और केशव महाराज जो है फ्लाइट दे रहे थे और उस फ्लाइट पर वो गच्चा खा गए। फुल लेंथ की गेंद थी, ऑफ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और उस पर जो है उनका गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, पीछे विकेट कीपर के पास गई और क्विंटन डिकॉक ने कोई गलती नहीं की पहला विकेट को आउट करने में। और उसके बाद आबिद अली जो है वो शिकार हुए नौकिया के, बहुत ही तेज गेंदबाजी के फनकार माने जाते हैं नौकिया, आईपीएल में आपने देखा होगा, बहुत ही उम्दा उनकी गेंदबाजी थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंदबाजी लगातार करते चले गए। कई बार तो उन्होंने एक एक ओवर में 3 बार 150 किलोमीटर का बैरियर तोड़ा उन्होंने, और यहाँ पर भी उनकी रफ्तार ठीक ठाक थी, लेकिन उन पर जो मार्करम ने कैच पकड़ाया था आबिद अली का, मजा आ गया देखकर उसको। बिल्कुल जिसे कहते हैं शॉर्ट लेग पर बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कैच उन्होंने पकड़ा और इस तरह से पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरा। और तीसरा विकेट अजहर अली के रूप में गिरा, पूर्व कप्तान, इनको केशव महाराज ने आउट किया। फुल एंड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, स्किड हुई थी, जैसे आपने देखा होगा रविंद्र जडेजा की गेंद स्किड होती है, ऐसे ही कुछ केशव महाराज की गेंद स्किड हुई। और केशव महाराज पर कितना ज़्यादा निर्भर था साउथ अफ्रीका, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 58 ओवर का खेल हुआ दिन भर में, क्योंकि उसके बाद बारिश की वजह से खेल को रोक देना पड़ा, और उन 58 ओवर में 25 ओवर अकेले केशव महाराज ने किए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केशव महाराज पर कितनी निर्भर है दक्षिण अफ्रीका की टीम। और उन्होंने उस कसौटी पर तो खड़े भी उतरे, जिस तरह से उन्होंने इमरान भट्ट को अपनी फ्लाइट से उलझाया, अजहर अली को उन्होंने स्किट करती हुई गेंद से उलझाया, और अब उम्मीद करनी चाहिए कि दूसरे दिन केशव महाराज अपने इसी अंदाज को बरकरार रखेंगे। वहीं बाबर आजम की तारीफ करनी होगी, 77 रन पर खेल रहे हैं, नॉट आउट है वो अभी, और 12 चौके वो लगा चुके हैं। जिस तरह से शुरुआत में उन्होंने ज़्यादा स्क्वेयर बाउंड्रीज लगाई और उसके बाद वो खुलते चले गए, कवर ड्राइव हो चाहे स्ट्रेट ड्राइव हो, कवर ड्राइव तो खैर उनका पसंदीदा शॉट है ही, और केशव महाराज को तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बख्शा, उन पर तो खूब स्ट्रोक लगाए। और उसके बाद उन्होंने चाहे रबाडा हो, रबाडा पर मुझे याद है उनका एक शॉट जो है कवर ड्राइव बहुत ही बेहतरीन था, और उसके अलावा उन्होंने नौकिया पर जो फ्लिक शॉट लगाए वो भी कहीं ना कहीं उनके पड़ोसी मुल्क यानी इंडिया, भारत के कप्तान विराट कोहली की याद ताज़ा कराता है। बिल्कुल उसी अंदाज में वो फ्लिक लगाते हुए दिखाई दिए। फवाद आलम भी एक मौके पर ऐसे ही फ्लिक लगाते हुए दिखाई दिए, हालांकि टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड प्लेयर नहीं है, लेकिन उनके इरादे एकदम बुलंद हैं और कहीं ना कहीं वो ये जवाब चाहते हैं अपने चयनकर्ताओं से, अपने सिलेक्टर्स के, और या ये कहिए कि अपने टीम प्रबंधन से, कि इतने लंबे समय तक उनको क्यों नहीं खिलाया गया। और जब तक पिछली बार उन्होंने सेंचुरी बनाई, तारणहार साबित हुए अपनी टीम के, इस बार फिर वो तारणहार साबित हुए तो लगातार दूसरे टेस्ट मैच में, और अब उम्मीद करनी चाहिए कि दूसरे दिन का खेल काफ़ी रोमांचक होगा। लेकिन मौसम विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी जो है उनकी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि ये कहा यह जा रहा था कि सनी डे रहेगा, थोड़ी बहुत बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश आएगी इतनी ज़्यादा कि खेल आगे हो ही नहीं पाएगा 58 ओवर के बाद, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो आप उम्मीद कीजिए कि पाकिस्तान कुछ बड़े स्कोर की तरफ जाए, क्लीन स्वीप करे और एशियाई टीमों का वैसा ही दबदबा दिखाई दे, क्योंकि भारत ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश जो है मजबूत स्थिति में है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और इधर पाकिस्तान की टीम भी दक्षिण अफ्रीका को एक टेस्ट में हराकर बढ़त बनाने में कामयाब हो गई है। यदि वो दूसरा टेस्ट भी जीतती है, क्लीन स्वीप करती है, तो ये एशियाई क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय जुड़ेगा, और ये मानना होगा कि एशियाई टीमों का स्तर अब पश्चिमी देशों की तुलना में, या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज या दक्षिण अफ्रीका की तुलना में बेहतर हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।